सुनने के लिए भी हमेशा मुंतजर रहा करते हैं। अब समझ चुके हैं कि वो कौन है, कोई और ही नहीं वो बल्कि कारी फैयाज साहब राही है। आइए मैं हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब डाइस पे तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत सा कलाम से हम सामने इनको नवाजे। हाफिज वकारी जनाब फैयाज साहब राही माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इस लायक नहीं हूँ जिस तरह से मेरे नकीबे से नकीबे हिंदुस्तान जनाब मसूद अकरम काजमी साहब ने फरमाया। खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना ताबिश रेहान साहब मिफ्ताही शायर इस्लाम तशरीफ फरमा है। मैं तो आपके इलाके का हूँ, मैं देखता हूँ आपका मिजाज क्या है और आपकी हकीकत से मैं रोशनास हूँ, लेकिन ये मुझको ये तजर्बा आज हो रहा है कि आप लोग इतने मेहमान नवाज थे और आप महफिलों को सजाना जानते थे, लेकिन आज मुझे ये खड़े लोगों से खड़े भाइयों से मेरे दादा मेरे भाई जितने भी लोग खड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा एक जरा मैं उस वक्त से कलाम पढ़ूंगा जब आप हजरात यहाँ बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे मजा आएगा। बैठ जाइए थोड़ा सा पहले इंशाल्लाह। तो आने के बाद मेरे बाद इंशाल्लाह मान हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना ताबिश रेहान साहब का बोलौला अंगेज मुतर्रम आवाज और बावकार नादखानी से इंशाल्लाह महजूज होंगे। एक मतो पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हाथ उठाइए। एक मतो पहले आप हजरात दाहिना हाथ उठाए एक मरतबा कायद कीजिए। मुजीब भाई माशाल्लाह जिंदा दिल है। एक मतो बोल दीजिए पूरा मजमा मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है माशाल्लाह। मैं चुप रहता हूँ, आप लोग सुभान अल्लाह बोलिएगा। पहले बोलिए तो पहले इंशाल्लाह अल्लाहु अकबर। देखिएगा अभी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, तब पता चलेगा कि आपका मुकाबला मेरे से कैसा हो रहा और आप मुकाबला मुझसे कैसे कर रहे हैं। माशाल्लाह पढ़ता हूँ देखिएगा। मतलब हजरत के दरमियान हमारे बड़े भाई जनाब जनाब अब्दुल करीम साहब और हमारे नूरुल बख्शी साहब बैठे हुए बहुत ही बेहतर अंदाज से सुन रहे समाज कर रहे। खतीब हैदर साहब को मचल करके कैद कर रहे थे अपने मोबाइल से माशाल्लाह। एक मरतबा आप हजरात से फिर दोबारा तौर पर कहेंगे बोल दीजिए हौसला के लिए सुभान अल्लाह। जिसके दिल में मेरे सरकार जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत हो गई जिसके दिल में मेरे सरकार दिल में मेरे सरकार की उल्फत हो गई जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत हो गई जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत हो गई उस बशर उस बशर के लिए आका की शफाअत हो गई उस बशर के लिए आका की शफाअत होगी जिसके दिल में जिसके दिल में मेरे आका जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत होगी उस बशर के लिए आका की शफाअत होगी उस बशर के लिए आका की शफाअत होगी। पूरा मजमा यहां से वहां तक बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मेरे सुभान अल्लाह से दमदार आपका सुभान अल्लाह नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है अब्दुल करीम साहब हमारे नूरुल बख्शी साहब आज आप ही मुआसना कीजिए कि आपका इलाका कितना दमदार था और कितना पीछे हो गया है। एक मैं तो इधर से चाहूंगा बोल दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब लग रहा है कि यहाँ जान है इंशाल्लाह वहां भी इंशाल्लाह करेंट इंच का पहुंचेगा। इधर वाले बोलते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिएगा बिल्कुल आपसे बेदारी के साथ कलीजी निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। दस्ते आका जो मिल जा दस्या का जो मिल जाएगा जामे कौसर दस्या का जो मिल जा दस्या का जो मिल जा जामे कौसर
मिजाज में फिर तो ठिकाना मेरा जन्नत होगे, लज में फिर तो ठिकाना मेरा जन्नत होगे, जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत होगे। मेरे आका से जिसको मोहब्बत है पूरा मजमा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ को लहरा के मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सामने रोज़ दे सामने रोज़ के कुछ देर खड़ा हो पाऊं, सामने रोज़ दे सामने रोज़ के कुछ देर खड़ा हो पाऊं, रोज़ के सामने कुछ देर खड़ा हो पाऊं, मुझ गुनहगार ने इतनी कहा हिम्मत होगे, मुझ गुनहगार ने इतनी कहा हिम्मत होगे, जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत होगे। अब पता चलता है कि आप बेदार मंज हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी तक हमारी बात को समझे नहीं, कम से कम आपका इलाका कहूँ, कम से कम मेरी इज्जत बचा लीजिए कि आपकी शान को मैं अलग जगह में बयान करूँ। एक मत आप जरा आके बैठ जाइए मोहब्बत से, इंशाल्लाह मैं तो आपके इलाके का छुराना हूँ इससे भी आला, 1000 वोल्टेज का हमारे शायर बैठे हुए माशाल्लाह, हमारे मौलाना ताबिश रेहान साहब, देखेगा खौफ आता कब्र की तारीकी से, तुम जो कहते हो वहशत है तो वहशत होगे, जिसके दिल में मेरे सरकार की उल्फत होगे, उस बशर के लिए आका की शफात होगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे सुन रहे हैं, देखिएगा आगे शेर, थोड़ी सी टॉपिक को अलग करते हुए दो तीन शेर आप हजरात के हवाले रख रहा हूँ, क्योंकि आपको मेहमान शायर को सुनना है। एक बार तो पूरा मजमा लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पढ़ दरूद पाक तुझको फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, रब्ता हो जाएगा, पढ़ दरूद पाक तुझको फायदा हो जाएगा। ये भी शेर आपके समातों के वाले पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पढ़ के बिस्मिल्लाह रब की साथ पे कर दे यके, साथ पे कर दे यके, पाँव रख दर या मैं खुद ही रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह। देखिए चलते चलते मुझे सर्टिफिकेट से नवाजे हमारे जनाब अच्छे शायर खतीब हैदर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, देखिएगा ये शेर आपके समातों के वाले। एक मतलब जिंदा दिल के साथ पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन गुस्ता है नबी है
किसको सच्चा इश्क है, किसको सच्चा इश्क है, कौन घुसता खेमे, अरे कौन घुसता खेमे है, किसको सच्चा इश्क है, अरे हश्र के मैदान में ये फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। जज़ाकअल्लाहु खैरन जज़ा, बड़े भाई हमारे ताबिश रेहान ने इनाम से नवाजा है, समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सर्टिफिकेट और सनद से नवाजा है। एक मर्तबा मेरे बड़े भाई के लिए बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे ऐसा सुभान अल्लाह, जब किसी को सर्टिफिकेट मिले तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको मज करके और जवानी के साथ बोलना चाहिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अब से आपका प्रोग्राम बिल्कुल ही जिंदा दिल के साथ और बिल्कुल बावकार अंदाज से चलना शुरू हो गया है। देखिएगा, तुम सहाबा की तरह, तुम सहाबा की तरह ईमान तो पैदा करो, ईमान तो पैदा करो, दब दबा हो जाएगा, फिर से दुनिया में तुम्हारा दब दबा हो जाएगा, बढ़ दरूदे पाक तुझ